हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। एडवोकेट राजा महमूद सर बात कर रहे हैं जी? बिल्कुल सर। जरा ये बताइएगा, बाटा दुनिया में आपने वाक्या देखा होगा जरूर, वीडियो काफी वायरल हो रही है, वहां पर जो फॉरेस्ट है वहां पर काफी आग लगी हुई, लगभग ये बताया जा रहा है कि 7 से 8 दिन हो चुके हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या जिला इंतजामिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बिल्कुल चुप है, अभी तक उन्होंने उस चीज पर कोई डिसीजन नहीं लिया है, ना ही वो शायद जो सुनने में आ रहा है वो अभी तक गए भी नहीं है, क्या फायर ब्रिगेड भी साइलेंट है वहां पर, तो क्या कहना चाहेंगे, सिविल सोसाइटी का कोई रोल नहीं दिख रहा है, ना ही जो आपने लीडर बनाए हैं, जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो भी चुप्पी साधे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे जी? बहुत बहुत शुक्रिया शहराज साहब। आपने कल देखा होगा, मैंने कल एक वीडियो अपने हैंडल फेसबुक हैंडल से अपलोड की थी, उसमें आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से परिंदों की चीखों पकार सुनाई दे रही है। और ये जो जंगल आपने जिसका जिक्र किया है, बाटा दूड़िया बालाकोट के इलाके में पिछले 7 से 8 दिन से जल रहा है, और बार बार हमने भी कोशिश की है एडमिनिस्ट्रेशन को और बाकी भी जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उन्होंने भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन को इसके बारे में इतला देने की कोशिश की है। कुछ जिम्मेवार जो फॉरेस्ट के ऑफिशियल्स हैं उनसे भी हमारी बात हुई है। अलबत्ता आग इतनी भयानक है, आग की लपटें इतनी तेज हैं कि वो एक दिन में मीलों का सफर तय कर रही हैं, और उसके लपेट में जो भी जानवर आ रहे हैं, जो भी परिंद आ रहे हैं, जो भी कुछ आ रहा है, चाहे वो सदर सोना आप कह लीजिए, वो लाखों करोड़ों का नुकसान होता जा रहा है। और हम लोग वजह क्या है सर, वजह क्या, अगर आपने बात की है और बाकी भी आप बता रहे हैं कि जैसे सोशल एक्टिविस्ट ने भी बात की है, तो फिर वजह क्या है, जिला इंतजामिया या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चुप क्यों है? देखिए, जिला इंतजामिया की ये बिल्कुल नाक के नीचे हो रहा है, हाईवे भाटा दुरियां के हाईवे के बिल्कुल दोनों अतराफ में आग लगी है, और आज रात को काला जुल्ला का जो जंगल है उसमें भी आग लगी, और सड़ुत्ती के जंगलों में भी, अड़ी सड़ुत्ती के जंगलों में भी आग ने अपनी लपेटों में ले लिया जंगल को। तो ये एक बड़ा सवाली निशान है इंतजामिया के ऊपर, भाई आप इसमें क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्या आपने जहाँ पर फायर ब्रिगेड को तैनात किया है, क्या यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन आकर ये महासभा कर रही है कि किस तरीके से इस आग को बुझाना है? ये हमारी कलेक्टिव जिम्मेवारी है, चाहे हम सिविल सोसाइटी की बात करें, चाहे हम इंतजामिया की बात करें, चाहे हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करें, चाहे हमारी जो दूसरी एजेंसीज हैं उनकी हम बात करें, हम की कलेक्टिव जिम्मेवारी है। लेकिन मैं कुछ सवाल जो है वो मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के लोगों से भी, मैं ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसे हवान नवा जंगलों में आग लगाने वाले इंसानों से पूछता हूँ, बल्कि ऐसे इंसानों को हैवान कहना भी हैवानों की तोहीन है, क्योंकि जानवर भी इस तरह का जुल्म नहीं करते। आग लगाने वाला सिर्फ दरख्तों या जड़ी बूटियों को नहीं जलाता, बल्कि कुदरती हुसन और हुसन फितरत के जलाता है, और जिसने भी फितरत से टकराने की कोशिश की है हमेशा पाश पाश हुआ है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारे जंगल जो है वो इतने खूबसूरत हैं, हम जो आज ऑक्सीजन ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, वो जंगलों की बदौलत ही साफ शफाफ हवा ले रहे हैं, तो आखिर ये आग लगाकर उनको मिलता क्या है? इस मौसम में जंगली जानवरों को आपको पता है कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, परिंदों ने अंडे दिए होते हैं, और कितना जो जिस बेदर्दी से वो जब वो जलते हैं बीच में, तो कितनी दर्द भरी वो दास्तान होती होगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे हाथ नहीं टूटते, तुम खुद इसमें क्यों नहीं जल जाते? फायर अथॉरिटी भी है सर, मैं सबको कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, जालमो आपके सीने में क्या दिल नहीं है? आग लगाने वाले अगर तेरे बच्चे इस आग में रख दिए जाएं, या तेरी माँ बाप भाई बहनों को इस आग में जलाया जाए, तो तुझे क्या क्या गुजरेगी? ये बहुत दर्द भरी, मैंने कहा कल मैंने रात को वीडियो शेयर की और आंखों से आंसू तारी हो गई, ये इतनी दर्द भरी वो वीडियो थी। आपने भी सुना होगा, मैं आपको अगर शेयर भी कर दूंगा, आप वो अपलोड भी कर दीजिएगा अपने हैंडल पे, कि वो शायद वो मोर की आवाजें हैं या किसी और परिंदे की आवाजें हैं, शायद उसके बच्चे जलस रहे हैं या जल रहे हैं या क्या है, तो वो परिंदा जोर जोर से चला रहा है, और वो ये जो आहें हैं, ये पुकारें हैं, ये ऊपर आसमां तक जा रही हैं, क्योंकि आसमां की वो चीरते हुए जा रही हैं, तो ये नेचर से नहीं टकराना चाहिए। तो इसमें इंतजामिया को बरवक्त कार्रवाई करनी होगी, और इस पर जो है वो काम करना होगा, और इसको आपको कंट्रोल में करना होगा। ये देखिए, ये बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है हमारा, अगर ये देखा जाए ये बिल्कुल बाटा दुड़िया और ये बीजी का फॉरेस्ट, ये बिल्कुल अगर देखा जाए तो ये
सीधा जाके कहाँ मिलता है, तो इसका अगर ये सीधा कहीं ना कहीं इसके बोथ साइड फिर सिक्योरिटी के भी फिर कंसर्न्स पैदा हो जाएंगे, तो हमें इस पर बात करनी होगी और खुल के बात करनी होगी, और नौजवानों को भी सामने आना होगा, सिविल सोसाइटी को भी, और महकमा सिर्फ हम जंगलात के रहमो करम पे आप इसको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये इस किस्म की भयानक आग है। आज मेरे ख्याल से SDM साहब वहाँ विजिट कर रहे हैं, DC साहब को भी यहाँ पे आना चाहिए, कंजर्वेटर साहब को यहाँ पे आना होना चाहिए, इसके अलावा अलावा जो है इनके डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं या बाकी जो अमले हैं उनको यहाँ पे आकर एक स्ट्रेटजी के तहत, खुशहाली का माहौल है और इस माहौल में ये आग बहुत तेजी की तरह जैसे लगता है कि किसने पेट्रोल डाला हुआ है, तो ये आग बहुत तेजी से तहर रही है जनाब। मैम साहब बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, और बहुत सारी बातें आपने क्लियर कर दी, और उम्मीद करते हैं डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और बिलहसूस फायर अथॉरिटी जो आपसे भी गुजारिश करता हूं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप भी कंजर्वेटर साहब से, आपका मीडिया का एक बड़ा क्लीदी रोल होता है और आप हमेशा ऐसे हसास मुद्दों पर बात करते हैं और खुल के बात करते हैं, आप DFO साहब से इस पर बात करिए, उनको बोलिए इतनी वीडियो वायरल हो रही है, वहां पर इतनी आग लगी हुई है, आप कंजर्वेटर साहब से बात करिए, आप DC साहब से बात करिए, तो यहाँ पर हम सबको कलेक्टिवली आगे निकल के इसको रोकना होगा। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर जेन्युइन। शुक्रिया शुक्रिया।